चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूबरनेटिस सर्विस का अगला पार्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्विस का अगला टाइप लोड बैलेंसर के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में सर्विस के नोट पोर्ट को देख लिया, उसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने क्लस्टर आईपी को भी देख लिया। ठीक है, तो हमने ये भी कवर किया था कि क्लस्टर आईपी की जरूरत कहाँ पड़ती है, नोटपुट की जरूरत कहाँ पड़ती है, लोड बैलेंसर की जरूरत कहाँ पे पड़ती है। तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ क्लस्टर आईपी क्यों कब करते हैं, नोटपुट कब करते हैं और लोड बैलेंसर कब करेंगे। ठीक है, तो आप सबको याद होगा कि आपने अगर कोई क्लस्टर बनाया है और क्लस्टर के अंदर अगर आप कोई डिप्लॉयमेंट बनाते हो और आप सबको पता है कि डिप्लॉयमेंट के अंदर पॉड है, तो इसी तरीके से अगर आपके क्लस्टर के अंदर दो डिप्लॉयमेंट है, एक वेब और एक डेटाबेस, तो वेब डिप्लॉयमेंट का पॉड अगर डेटाबेस डिप्लॉयमेंट के पॉड से कम्युनिकेट करना चाहता है तो पॉड टू पॉड कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन पॉड को कुछ होता है तो पॉड डिलीट हो जाता है, उसकी जगह नया पॉड क्रिएट होता है, तो फिर नया पॉड की आईपी एक दूसरे को पता करना ये डिफिकल्टीज हो जाती है। और इसी तरीके से डिप्लॉयमेंट के अंदर पॉड की नंबर ऑफ रेप्लिकास होती हैं, चाहे वो डेटाबेस डिप्लॉयमेंट हो चाहे वेब हो, तो नंबर ऑफ रेप्लिकास मतलब नंबर ऑफ पॉड इस डिप्लॉयमेंट में, नंबर ऑफ पॉड इस डिप्लॉयमेंट में, तो इस डिप्लॉयमेंट की पॉड उस डिप्लॉयमेंट के पॉड से अगर आईपी टू आईपी बात कर दी तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो इन्होंने एक सिंगल एंड पॉइंट का कॉन्सेप्ट ला के दिया कि आप अगर एक डिप्लॉयमेंट को दूसरे डिप्लॉयमेंट से कम्युनिकेट कराना चाहते हैं वाया सिंगल एंड पॉइंट, तो बोला सर्विस बनाओ, और सर्विस का टाइप हमने क्या रखा था, क्लस्टर आईपी। तो हमने क्लस्टर आईपी सर्विस बनाया और सर्विस का टाइप हमने क्लस्टर आईपी रखा। लेकिन आपने देखा कि अगर आप सर्विस बनाते हो, सर्विस का टाइप क्लस्टर आईपी रखते हो, सिंगल एंड पॉइंट बन तो जाता है डिप्लॉयमेंट को एक्सेस करने का, लेकिन वो क्लस्टर आईपी क्लस्टर के अंदर ही एक्सेस होता है केवल, है ना, क्लस्टर के बाहर से कोई उसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब सवाल आई यार, क्लस्टर के अंदर से बैठ के एक्सेस तो कुबरेटिस इंजीनियर ही करेगा, लेकिन अगर कस्टमर को एक्सेस देना है कि भाई कस्टमर एक्सेस करना चाहता है आपके वेब डिप्लॉयमेंट को, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग सब कुछ कस्टमर के लिए ही करते हैं, तो कस्टमर कैसे एक्सेस करेगा, तो कस्टमर तो इंटरनेट पे बैठा होता है, तो कस्टमर क्लस्टर आईपी को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि क्लस्टर आईपी जो होती है वो आपका प्राइवेटली होती है। तो फिर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट और लाके दिया कि आप जब सर्विस बनाते हैं तो सर्विस का टाइप आप नोटपोर्ट रखिए। तो जब सर्विस हम लोग बनाते हैं और सर्विस का टाइप हम लोग नोटपोर्ट रखते हैं, तब क्या होता है, तब क्लस्टर के अंदर जितने भी नोड होते हैं उन नोड की आईपी के साथ एक पोर्ट एक्सपोज हो जाता है, और हम लोग कस्टमर को बोलते हैं कि आप लोग बाहर से बैठकर इस नोड की आईपी और इस पोर्ट को हिट करो, तो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, तब जाके कस्टमर बाहर से एक्सेस कर पा रहा था। ठीक है, लेकिन नोड पोर्ट में भी एक ड्रॉबैक आ गया कि बाहर से कस्टमर एक्सेस तो कर पा रहा है लेकिन पोर्ट को भी लगा रहा है, अगर कस्टमर पोर्ट नहीं लगाता तो फिर एक्सेस नहीं कर पा रहा था, तो हम चाहते हैं यार पोर्ट भी हटा दो। तो अब पोर्ट जब हटाने की बात आई, तब इन्होंने तीसरा कॉन्सेप्ट लाकर दिया कि पोर्ट तब हट सकता है जब आप सर्विस का तीसरा टाइप इन्होंने जो लाके दिया लोड बैलेंसर। तो ये लोग कहते हैं कि जब भी आप किसी भी डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाते हो, सर्विस का टाइप अगर आप लोड बैलेंसर रखते हैं, तो फिर लोड बैलेंसर अगर आप रखेंगे तो आपको एक लोड बैलेंसर की आईपी मिल जाएगी, और वो आईपी आप अपने कस्टमर को दे दीजिए तो कस्टमर उसको हिट करके एक्सेस कर सकता है, तो उस केस में पोर्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अब एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि जब भी आप सर्विस बनाते हो, सर्विस का टाइप आप नोटपोर्ट रखते हो, तो आपको याद होगा कि नोटपोर्ट रखते हो तो साथ में सर्विस बैकएंड में क्लस्टर आईपी भी मिल जाती थी आपको, है ना, क्योंकि बाहर से बंदा हिट करता है नोड की आईपी को और वो इस क्लस्टर आईपी पे फॉरवर्ड करता है, क्लस्टर आईपी पोर्ट तक लेके जाता है। इसी तरीके से अगर आप सर्विस बनाते हो, सर्विस का टाइप अगर आप लोड बैलेंसर रखोगे तो क्या होगा, लोड बैलेंसर एक लोड बैलेंसर प्रोविजन होगा और उस लोड बैलेंसर की आईपी आपको असाइन हो जाएगी, लेकिन लोड बैलेंसर के साथ साथ बैकएंड में नोड पोर्ट भी बनेगा और उसके बैकएंड में क्लस्टर आईपी बनेगी। ठीक है, तो फिर होता क्या है मैं आपको बताता हूं, जब भी आप अपने डिप्लॉयमेंट बनाते हो, डिप्लॉयमेंट का टाइप अगर आपने डिप्लॉयमेंट बनाते हो डिप्लॉयमेंट सॉरी जब भी आप डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाते हो और सर्विस का टाइप अगर आपने लोड बैलेंसर रखा, तो आपको उस डिप्लॉयमेंट का जो सर्विस बना है, तो सर्विस जो बनेगी साथ में नोड पोर्ट भी बनेगा, बैकएंड में क्लस्टर आईपी भी बनेगी, और उसके फ्रंट में एक एक्सटर्नल आईपी मिल जाएगी जो लोड बैलेंसर की होगी। और फॉर एग्जाम्पल ये मिल गई 192.168.1.6.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 8.1
a.1.100, ठीक है, और ये होगी लोड बैलेंसर की आईपी। तो अब आप बाहर से हिट मारोगे इसको, ये क्या करेगा, इस नोड आईपी और नोड पोर्ट पे ले जाएगा और ये बैकएंड में क्लस्टर आईपी और ये पोर्ट तक लेके जाएगा ट्रैफिक, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया सिनेरियो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये लोड बैलेंसर आएगा कहां से, ठीक है, लोड बैलेंसर आएगा कहां से। अगर आप डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाते हैं, सर्विस का टाइप अगर आप लोड बैलेंसर रखते हैं, तो लोड बैलेंसर आएगा कहां से, सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर अगर आप क्लाउड में बैठ के काम कर रहे हैं, जैसे आपने अगर क्लाउड में सेटअप लगा रखा है एजूर की AKS पे या गूगल क्लाउड की GKE पे या AWS का अपना, तो वहां पर अगर आप किसी भी डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाते हैं और सर्विस का टाइप अगर आप लोड बैलेंसर करते हैं, तो ये क्लाउड प्रोवाइडर आपको ना लोड बैलेंसर प्रोविजन करके दे देते हैं। आपको वहां पे लोड बैलेंसर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्लस्टर के अंदर किसी भी डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाइए, सर्विस का टाइप लोड बैलेंसर करिए, तो ये क्लाउड प्रोवाइडर क्या करेंगे, एक लोड बैलेंसर बना देंगे, लोड बैलेंसर की आईपी आपको दे देंगे और आपके लोड बैलेंसर के साथ आपके क्लस्टर के नोड को बैकएंड में ऐड कर लेते हैं और बोलते हैं ये आईपी को हिट मारिए, तो ये आईपी लोड बैलेंसर की आईपी को हिट करिए, वो आपके क्लस्टर के नोड की आईपी को हिट मारेगा विद पोर्ट के साथ, वो क्लस्टर आईपी को देगा और ट्रैफिक चली जाएगी, ठीक है, चलो। लेकिन अगर आप ऑन प्रमिसेस में बैठे हैं, अगर आप ऑन प्रमिसेस में बैठ के काम कर रहे हैं, बेयर मेटल में आपका क्लस्टर लगा हुआ है और वहां पर अगर आप किसी भी डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाते हैं, सर्विस का टाइप अगर आप लोड बैलेंसर रखते हैं, तो उस सर्विस बंद तो जाएगी लेकिन एक्सटर्नल आईपी आपको दे नहीं पाएगा, क्योंकि लोड बैलेंसर आपके क्लस्टर में अभी तक कहीं पर भी नहीं है। क्लाउड में तो वो लोग लोड बैलेंसर प्रोविजन करके दे देते थे, लेकिन अगर आप बेयर मेटल में बैठे हो तो आपको एक्सटर्नल आईपी नहीं मिल पाएगी, वो पेंडिंग स्टेज में रहेगा। तो इसका मतलब कि आपको पहले लोड बैलेंसर सेटअप करना पड़ेगा अपने क्लस्टर के अंदर। अब सवाल आता है कि क्लस्टर के अंदर कौन सा लोड बैलेंसर सेटअप करेंगे, क्या कुबरनेटिस अपनी कोई लोड बैलेंसर की सर्विस दे रहा है एज अ माइक्रो सर्विस? बिल्कुल दोस्तों दे रहा है, पहले नहीं देता था बट अब देना स्टार्ट कर दिया है कुबरनेटिस। तो कुबरनेटिस कहता है कि आप ऑन प्रमिसेस में हैं या VM पे हैं या बेयर मेटल में हैं, तो आप अपने क्लस्टर के अंदर भी एक लोड बैलेंसर की माइक्रो सर्विस सेटअप कर सकते हैं जिसका नाम है मेटल LV। तो अगर आप अपने क्लस्टर के अंदर लोड बैलेंसर की माइक्रो सर्विस सेटअप कर लेते हैं जिसका नाम है मेटल LV, जो इटसेल्फ पॉड में सेटअप होगा, पॉड के अंदर चलेगा, और जब आप मेटल LV कॉन्फिगर करते हैं तो वहां पर आपको पब्लिक आईपी की एक पूल आपको बतानी पड़ती है, क्योंकि जब भी कोई डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनेगी तो उस सर्विस को एक्सटर्नल आईपी उसी पूल में से एक मिल जाता है। तो जब भी आप मेटल LV सेटअप करेंगे तो आपको पब्लिक आईपी का पूल सेट करना पड़ता है, जो भी आपने ISP से ले रखा है या आप अपना प्राइवेट कोई एक टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो पूल भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपका मेटल LV सेटअप हो चुका है, उसके अंदर आईपी की पूल सेट हो चुकी है, तो फिर आप अगर अपनी डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाते हैं, सर्विस का टाइप लोड बैलेंसर करते हैं, तो उस पूल में से एक आईपी आपको असाइन हो जाती है। तो मान लीजिए वो आईपी असाइन हो गई, जस्ट फॉर एग्जांपल 192.168.1.100, तो फिर आप कस्टमर बाहर से बैठ के इसको हिट मारेगा, ये उसी तरीके से काम करेगा, इस नोड आईपी और पोर्ट को देगा और ये क्लस्टर आईपी को देगा और क्लस्टर आईपी बैकेंड में पोर्ट तक लेके जाएगा, क्लियर। तो ये तरीका था यहां पर। तो अगर आपने मेटल LV सेटअप नहीं किया ऑन प्रमिसेस में, बेयर मेटल में या VM के ऊपर, तो फिर आप की वो सर्विस पेंडिंग स्टेज में रहेगी, उसको एक्शन आईपी मिल ही नहीं पाएगा, तो आपका प्रैक्टिकल सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो मेटल LV है, ये अभी कुछ साल पहले आई है, पहले कुबरनेटिस मेटल LV की सर्विस नहीं दे रहा था। तो उस टाइम पर हम लोग क्या करते थे, उस टाइम पर कोई भी क्लाइंट्स क्या कर रहे थे कंपनी में, तो उस टाइम पर एक प्रॉब्लम होती थी, यार कुबरनेटिस अपना कोई भी लोड बैलेंसर की सर्विस नहीं दे रहा है। तो उस टाइम पर हमारे पास दो ऑप्शंस होते थे, या तो आप क्लाउड पे चले जाएं, क्लाउड पे जाते थे तो क्लाउड प्रोवाइडर अपना लोड बैलेंसर दे देते थे तो हमारा काम हो जाता था। लेकिन कंपनी जिद करके बैठी है कि नहीं, ऑन प्रमिसेस बेयर मेटल VM पे ही रखना है, तो उस केस में आपके पास एक सोल्यूशन था, अपना खुद का सोल्यूशन था जुगाड़ वाला, जो कुबरनेटिस नहीं दे रहा था लेकिन आपका अपना सोल्यूशन था। वो अपना सोल्यूशन क्या था, मैं आपको बता देता हूं। तो जब कुबरनेटिस बेयर मेटल पे कोई लोड बैलेंसर नहीं दे रहा था मेटल LV जैसा, तो
तो उस टाइम पर हम लोग क्या करते थे, अपना F5 का लोड बैलेंसर लगाते थे, ठीक है, अपना F5 का लोड बैलेंसर हमने लगाया, और भी बहुत सारे आते हैं। तो जैसे हमने F5 का लोड बैलेंसर लगाया, तो F5 के लोड बैलेंसर में हमने एक्सटर्नल IP ले ली, और क्या करते थे, क्लस्टर के अंदर जो भी नोड है, नोड है तो हम अपने डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाते थे, सर्विस का टाइप हम लोग क्या करते थे, नोड पोर्ट। तो नोड पोर्ट किया, तो ये नोड की IP और ये पोर्ट हमने इस F5 लोड बैलेंसर के बैकेंड में ऐड कर दिया, इस नोड की IP और पोर्ट को लोड बैलेंसर के बैकेंड में ऐड कर दिया, और हमने यहाँ पर पॉलिसीज लगा दी कि बाहर से कोई भी कस्टमर इसको हिट मारे, ये लोड बैलेंसर एक बार इसको दे, एक बार इसको दे, अब ये इसको देता है तो ये क्लस्टर IP को देता है और ये चली जाती, ट्रैफिक यहाँ पे पहुँच गई। तो ये हम लोग अपना एक्सटर्नल लोड बैलेंसर लगाकर काम कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी, या तो क्लाउड पे चले जाइए तो वो लोग दे देते थे। लेकिन कुबरनेटिस ने बोला, यार ये तो एक्सटर्नल लोड बैलेंसर हो गया, ये तो हमारा अपना नहीं है, ये तो कंपनी वाले अपना कुछ जुगाड़ लगा के काम कर रहे हैं। तो फिर कुबरनेटिस वालों ने क्या किया कि अपना लोड बैलेंसर दे दिया, बोला कि आपको अब F5 जैसा लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना इंटरनल माइक्रो सर्विस बोले तो पॉड के ऊपर आप मेटल LV लोड बैलेंसर सेटअप करके अपना काम कर सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छा भी है। तो इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है कि जब मेटल LV नहीं था तो किस टाइप से हम लोग अपना काम को पूरा करते थे, तो मैंने बता दिया दो तरीका था, या तो क्लाउड पे चले जाइए या तो फिर आप अपना F5 जैसा सेटअप कर लीजिए। तो चलिए फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास क्लस्टर रेडी है पहले से, ठीक है, और क्लस्टर के अंदर मेरे पास अभी कोई भी चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक डिप्लॉयमेंट बनाता हूँ, और डिप्लॉयमेंट के लिए मेरे पास YAML फाइल पहले से लिखी हुई है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में जब नोड पोर्ट कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने बनाया था, तो देख सकते हैं। तो इसको हम लोग करते हैं पहले अप्लाई, kubectl apply -f, तो ये बन गया। ठीक हो गया। अब आप इसकी सर्विस कैसे बनाते थे, तो kubectl expose deployment, deployment का नेम -type इक्वल टू, जब आप क्लस्टर IP रखते हैं तो क्या होता है, क्लस्टर IP नोड पोर्ट बनाना होता था, तो आप लोग क्या करते थे, नोड पोर्ट, लेकिन इस बार हम लोग क्या बना रहे हैं, लोड बैलेंसर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लोड बैलेंसर, L कैपिटल और B कैपिटल, बैलेंसर, एंटर। तो देखो ये सर्विस बनी, सर्विस का नाम वेब सर्वर, टाइप लोड बैलेंसर, क्लस्टर IP भी मिला, नोड पोर्ट भी मिला, लेकिन एक्सटर्नल IP पेंडिंग है। एक्सटर्नल IP क्यों पेंडिंग है, क्योंकि लोड बैलेंसर मेरे पास अभी नहीं है, मैं VM के ऊपर बैठ के काम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मुझे पहले यहाँ पे लोड बैलेंसर सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर Kubernetes की अपनी जो माइक्रो सर्विस लोड बैलेंसर है मेटल LV, वो सेटअप करूँगा। मैं कोई F5 जैसा लेके नहीं आ रहा हूँ कि F5 लोड बैलेंसर लगा लूँ फिर नोड की IP और पोर्ट ऐड कर लूँ। तो यहाँ पर हम लोग अभी मेटल LV को सेटअप करेंगे, ठीक है। तो मेटल LV कैसे सेटअप किया जाएगा, उसके लिए आप गूगल में आ जाएं और यहाँ पर आप लिखें मेटल LV लोड बैलेंसर, और मेटल LV लोड बैलेंसर की इंस्टॉलेशन में आ जाएं, और ये इंस्टॉलेशन के स्टेप है। तो अभी मैं मेटल LV के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेटल LV का बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इस प्रैक्टिकल को पूरा करने के लिए ये स्टेप को फॉलो कर रहे हैं केवल। तो आप भी ये कॉपी करें यहाँ से जैसे मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पर पेस्ट कर दें, देन अगेन इसको आप कॉपी करें यहाँ से, उसके बाद आप ये कॉपी करें, डन। उसके बाद आप आ जाएं कॉन्फ़िगरेशन में और ये कॉपी कर लें, YAML फाइल का सिंटेक्स है, और यहाँ पर एक फाइल आप बना लें VIM, कोई भी नाम दे दें, जैसे मैंने metal lv.yaml दे दिया, ठीक है, और इसके अंदर जाएं पेस्ट कर दें बस।
अब यहाँ पर आपको एड्रेस पूल देना होगा। तो एड्रेस पूल मैं यहाँ पर क्या दूँ, तो आपने अपनी कंपनी में कोई ISP से परचेज कर रखा हो एड्रेस पूल दे दें, लेकिन यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप में अभी लोकल बैठा हुआ हूँ और मेरा लैपटॉप वाईफाई से कनेक्टेड है, तो मेरा वाईफाई जो मुझे DHCP का पूल देता है वो 192 का है, जो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। देखो मेरे इसको क्या पूल मिलता है, 192, ये देखो DHCP से कनेक्टेड है 192.1.8। तो मैं ये 192 का ही रेंज यहाँ पर दे दूँ, जैसे 192.1.100 से लेकर 200 तक, तो ये मैंने पूल दे दिया। तो इसी पूल में से एक IP मिलेगी उसे, राइट। तो मैंने सेव करके बाहर गया और फिर मैं इसको करता हूँ गेट ऑल। तो अब मैं अगर kubectl apply-f metal-lb, तो जैसे ये कॉन्फ़िगर होगा तो इसे यहाँ पर एक्सटर्नल IP मिल जाएगी और एक्सटर्नल IP इसी पूल में से एक होगा। कोई एंटर, देखो मिल गई। तो अब ये एक्सटर्नल IP हम बाहर से बैठ के हिट मारेंगे, तो देखो पोर्ट लगाने की मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी, देख सकते हो आप लोग पोर्ट नहीं लगाया। इसी तरीके से आप जितनी भी डिप्लॉयमेंट बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैं एक और डिप्लॉयमेंट आपको बना के दिखाता हूँ, kubectl, एक और था मेरे पास डेटाबेस, ये लो। तो अगर मैं इसे भी करता हूँ kubectl apply-f db, ये देखें दूसरा डिप्लॉयमेंट बन गया। तो इसको भी मैं kubectl expose deployment db-server-type load balancer, sorry, ये लो। तो ये लोगो इसको अगली IP मिल गई। तो जो पूल आपने वहां पर डिफाइन किया था उसी पूल में से एक एक IP देखो असाइन होती जा रही। तो ये metal-lb क्या है, itself माइक्रो सर्विस लोड बैलेंसर है जो Kubernetes आपको देता है। और अगर आप उसे देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं, kubectl get ns करें पहले, देखिए इस नेम स्पेस के अंदर गया हो। तो आप kubectl-n metal-lb system get pod, तो आप देख सकते हैं पॉड में चल रहा है, देख सकते हैं कंट्रोलर स्पीकर। तो ये सारी चीज़ें भी मैं एक्सप्लेन करेंगे जब आगे जाके हम metal-lb को कवर करेंगे। तो अभी मुझे सर्विस का ये लोड बैलेंसर आपको समझाना था, इसलिए मैंने ये चीज़ बताया। तो आप एक चीज़ और देखिए, जब भी आप सर्विस का टाइप लोड बैलेंसर करते हैं तो तीन चीज़ होती है, एक ये क्लस्टर IP, नोड पोर्ट भी। तो ये कैसे काम कर रहा है वो भी आपको ट्रैफिक का फ्लो फिर से बता देता हूँ एक बार। तो ये एक्सटर्नल IP है, समझ गए होंगे वैसे भी आप लोग। तो ये एक्सटर्नल IP मैं बाहर रख रहा हूँ, लेकिन बाहर नहीं है, वो है अभी क्लस्टर के अंदर, ठीक है। तो हम लोग इसको हिट करते हैं, तो ये नोड पोर्ट और क्लस्टर IP यहाँ हिट मारे, ये नोड पोर्ट क्लस्टर IP, ये ट्रैफिक चली गई। तो समझ गए होंगे आप लोग, क्लियर। तो ये थी दोस्तों आपका सर्विस का तीसरा टाइप लोड बैलेंसर, ठीक है। और अगर आप क्लाउड पे क्लस्टर लेते हैं, जैसे AKS पे, Azure पे या गूगल क्लाउड में GKE पे, तो वहाँ पर अगर आप अपनी डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाते हैं तो फटाक से आपको एक्सटर्नल IP मिल जाएगी, आपको metal-lb सेटअप करने की जरूरत नहीं है। metal-lb बेसिकली लोड ऑन प्रमाइसिस बेयर मेटल VMware पे आप सेटअप लगा रहे हैं, तो वहाँ के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सर्विस समझ में आया होगा, और इस सर्विस का तीसरा लास्ट वीडियो था लोड बैलेंसर। तो इसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो को करते हैं यहीं पर स्टॉप। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। उम्मीद करता हूँ ये आपको Kubernetes सर्विस का क्लस्टर IP, नोड पोर्ट और लोड बैलेंसर समझ में आ गया होगा। तो चलो दोस्तों बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी।